जय हिंद दोस्तों। रैपी पे के अंदर हम जानेंगे कि अकाउंट सेटलमेंट जो किया जाता है वो बैंक हम ऐड कैसे कर सकते हैं अपना बैलेंस सेटलमेंट करने के लिए। आप अगर जानें तो मूव टू बैंक जो अकाउंट होता है वो अपने बैंक में लेने के लिए बैंक ऐड कैसे किया जाता है, इस वीडियो में हम आपको यही पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो बिना समय गवाए आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको एप्लीकेशन रैपी पे एप्लीकेशन के अंदर चले जाना है। जाने के बाद आप क्या करना है कि यहाँ पे देखिए आपका एक थ्री डॉट दिखाई देगा, इस पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ से अगर आप थोड़ा और नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देखिए एक ऑप्शन आपको यहाँ पे देखिए दिखाई देगा, यहाँ पे अकाउंट डिटेल्स का एक ऑप्शन दिखाई देगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। देखिए यहाँ पे अकाउंट डिटेल्स का ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। करने के बाद उसी के नीचे फिर एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, यहाँ पे आप देखिए बैंक सेटलमेंट अकाउंट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, अगर आप अगर नए अगर हैं तो यहाँ पे आपका बैंक दिखाई नहीं देगा। तो हमारा ऑलरेडी यहाँ पे बैंक दिखाई दे रहा है तो हम यहाँ पे देखिए बैंक ऐड करने के लिए यहाँ पे देखिए डालना होगा आपको। अब देखिए यहाँ पे आपको दो ऑप्शन से दिखेंगे तो इसी वाले ऑप्शन पे टिक रहने देना है। और जिनके नाम से बैंक है या फिर रैपी पे जिनके नाम से है जो उनका बैंक है वो बैंक का इंटर योर नाम यानी कि उनका जो नाम है वो नाम यहाँ पे डालेंगे। और तो यहाँ पे नाम डालने के बाद यहाँ पे अपना बैंक सिलेक्ट कर लेंगे कि वो कौन सा बैंक ऐड करना चाहते हैं। जो भी अगर उनका बैंक है वो बैंक ऐड कर लेंगे। और देखिए फिर यहाँ पे देखिए पहले वो अपना नाम डालेंगे, जैसे कि हमारा नाम है। डालने के बाद यहाँ बैंक चूज कर लीजिए, नाम बैंक, यहाँ पे अकाउंट नंबर, तो हम अपना अकाउंट नंबर चूज कर लेते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे बैंक भी चूज कर चुके हैं। और यहाँ पे एक बार और आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे नाम डालना है, यहाँ पे बैंक का, यहाँ पे अपना नाम डालना है, यहाँ पे बैंक का नाम डालना है, यहाँ पे इंटर अकाउंट नंबर डालना है। जो भी अगर आपका बैंक है, जिससे अगर हमारा पेटीएम बैंक है, लेकिन आपका जो भी बैंक हो, यूनियन बैंक, स्टेट बैंक, इलाहाबाद बैंक, जो भी अगर आपका बैंक हो वो बैंक का यहाँ पे नंबर डालेंगे और यहाँ पे आईएफएससी कोड डालेंगे। अगर आपको आईएफएससी कोड गलत लगेगा तो आईएफएससी कोड ध्यान से आपको चेक कर लेना है। और सब कुछ करने के बाद यहाँ पे देखिए सबमिट वाले ऑप्शन पे देखिए क्लिक कर देंगे। लेकिन देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे करने से पहले आपको हम एक चीज़ और दिखा दें कि यहाँ पे आपका पैसा रहेगा तभी आप मूव टू बैंक करेंगे, ध्यान देना है आपको। लेकिन एपीएस सेटलमेंट अकाउंट ऐड करने के लिए इस पर आप देखिए सब कुछ डालने के बाद यहाँ पर आप सबमिट कर देंगे। सबमिट करेंगे ये आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर आपका नाम, यहाँ पर देखिए बैंक का नाम और यहाँ पर अकाउंट नंबर, अमाउंट एक रुपये। और यहाँ पे देखिए इस फीस जो है वो एक रुपया इतना पैसा आपका लगने वाला है, जो कि ये एक रुपया आपके अकाउंट में भेज दिया जाएगा। और यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे देखिए कैंसिल और ओके का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो सिंपली यहाँ पे हमें ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ओके पर जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पर हमें थोड़ा वेट करना है, तो हम यहाँ पर थोड़ा वेट कर लेते हैं। और दोस्तों आप वेट, जब तक हम वेट करते हैं तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर से दबा लीजिए। तो देखिए यहाँ पे इतना समय लग चुका है, अभी ये वेट हो रहा है। आपको यहाँ पे कहीं भी आपको छेड़खानी नहीं करना है, ना ही कुछ कटकूट, ना ही बैक करना है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा बैंक ऐड हो चुका है। तो अब देखिए क्या करना है कि अगर उसी प्रकार से बैंक ऐड होता है, आपको ध्यान देना है एकदम सेम प्रोसेस से जैसे हम आपको बताए हैं, अगर उस प्रकार से आप अगर बैंक अगर ऐड करते हैं तो आपका बैंक ऐड हो जाएगा। और देखिए हम देखिए मनी ट्रांसफ़र करके दिखाने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए पैसा कम है तो इसकी वजह से हम पहले विड्रॉल कर लेते हैं, फिर उसके बाद ही हम करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए अब हमें विड्रॉल करने के लिए देखिए पहले एपीएस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे विड्रॉल करना है, विड्रॉल वाले पे यहाँ पे टिक कर देंगे, अपना डिवाइस सेलेक्ट कर लेना है यहाँ से जो भी आपका डिवाइस हो, और यहाँ पे आधार नंबर डाल देना है। तो देखिए सिंपली हम क्या किए कि यहाँ पे आधार पे टिक रहने देना है, यहाँ पे देखिए विड्रॉल, यहाँ पे देखिए विड्रॉल भी कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट भी कर सकते हैं।
और यहाँ पे देखिए आधार नंबर डाल देना है आपको, यहाँ मोबाइल नंबर, यहाँ अपना नाम लिख देना है, जिनका आप पैसा निकाल रहे हैं उनका नाम लिख देना है, और यहाँ पे बैंक चूज करना है। और यहाँ पे देखिए हम पैसा डाल चुके हैं, कैप्चर वाले ऑप्शन पे हमें आप क्लिक कर देना है। कैप्चर पे क्लिक करते हैं, लाइट जल गई है, हम अपना अंगूठा लगा लेंगे। यहाँ पे देखिए कैप्चर सक्सेसफुल हो चुका है, अब यहाँ पे हमें सबमिट कर देना है। सबमिट करते हैं, हम यहाँ पे थोड़ा इंतज़ार कर लेते हैं। ये देखिए हमारा पैसा ऑलरेडी निकल चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा पैसा ऑलरेडी निकल चुका है। अब देखिए यहाँ पे इस प्रकार से आप कर सकते हैं, और यहाँ पे हमें ओके कर देना है। देखिए हमारा पैसा क्या हुआ कि हमारा पैसा निकल गया। अब आपको हम APS सेटलमेंट बैंक सेटलमेंट करके हम आपको दिखाते हैं। देखिए मूव टू बैंक करने के लिए देखिए आपको सिंपली यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आने के बाद देखिए बैंक स्टेट सेटलमेंट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ देखिए आपका बैंक दिखाई दे देगा, इस पर आपको क्लिक करना है। ध्यान दें IMPS ही कीजिएगा, क्योंकि NEFT करने में NEFT अगर करते हैं तो ये 3 से 4 घंटे में पैसा जाएगा, अगर IMPS करते हैं तो ओनली 3 सेकेंड में पैसा चला जाएगा। तो हमें IMPS वाले पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे अपना अमाउंट डालना है, जैसे कि हम अपना 200 करना चाहते हैं 200 डाल दिए, और यहाँ पे ओके हम कर देते हैं। जैसे देखिए हम ओके देखिए करते हैं, फिर यहाँ पे देखिए कैंसिल यस ओके का एक ऑप्शन आया, हमें यहाँ पे ओके कर देना है। ओके कर देते हैं। यहाँ पे देखिए ये दिखा रहा है कि इतना, यानी कि सर्विस देखिए जो आपका चार्ज है वो आपका 4 रुपया कुछ पैसा लगने वाला है, यानी 5 रुपये का आपका चार्ज लगेगा। फिर यहाँ हमें ओके कर देना है। ओके कर देते हैं, यहाँ पे हम थोड़ा इंतज़ार करते हैं और देखते हैं ये पैसा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये देखिए सक्सेस हो चुका है, यानी कि ये जो पैसा है ये हमारे बैंक में चला गया। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सिखाएं कि आप APS सेटलमेंट भी कैसे कर सकते हैं आसानी से, और आप बैंक ऐड कैसे कर सकते हैं, और ये मूव टू बैंक भी कैसे कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों को अगर RappiPay का अगर डिस्ट्रीब्यूटर ID या फिर रिटेलर ID चाहिए तो बगल में दिखाए गए नंबर पर आप हमें कॉल करें। पर आपको एक बात और ध्यान देना है, कैसे कैसे इसमें डॉक्यूमेंट लगेंगे, लोग इसमें हमें कंफ्यूज भी कर देते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें गलत गलत ही डॉक्यूमेंट भेजते रहते हैं। ये हम आपका डॉक्यूमेंट क्लियर कर देते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट कैसा लगेगा। पहले तो आपको ध्यान देना है कि पहले देखिए आपका जो पैन कार्ड है वो पैन कार्ड इस प्रकार से किसी सादे पन्ने पर रख कर फोटो खींच लेना है। पर आपका ध्यान दें, इस प्रकार से नहीं रहना चाहिए, जब भी खींचेंगे तो इस प्रकार से जिस पे देखिए यस का निशान लगा हुआ है, तो ऐसा ही आपका डॉक्यूमेंट रहना चाहिए, एकदम फ्रेश पन्ने पर रख कर तब ही आप इसको कीजिएगा। देखिए ऐसा आपका डॉक्यूमेंट एकदम फ्रेश किसी सादे पन्ने पर रख के फोटो खींच लेंगे। और जो दूसरा जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट भी हम आपको दिखा देते हैं। देखिए जो दूसरा जो डॉक्यूमेंट है यहाँ पे आप देख सकते हैं, किसी सादे पन्ने पे दोनों तरफ का आधार कार्ड किसी सादे पन्ने पर रख कर आपको इस प्रकार से फोटो एकदम साफ सुथरा ले लेना है। पर ध्यान दें, ये वाला जो देखिए यहाँ पे, ये वाला देखिए जो है इन्होंने दे रखा है, ये देखिए यस यानी कि सत्य, ये ऐसा ही डॉक्यूमेंट चाहिए, ध्यान देना है। एकदम फ्रेश सादे पन्ने पर रख कर आधार कार्ड आप फोटो खींच लेंगे, कहीं से भी उसको कट पिट नहीं करेंगे, इसी प्रकार भेज देंगे। और ये देखिए गलत है, ध्यान दें, ऐसा गलती न करें, ऐसा ही भेजें। और फिर अब तीसरा जो डॉक्यूमेंट है उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए इस प्रकार से मोबाइल के सामने एकदम फ्रेश ताकना है, और एक हाथ में आधार कार्ड, एक हाथ में पैन कार्ड। अगर आपका आधार कार्ड अगर रजिस्टर्ड है आप, तो आप वोटर आईडी कार्ड भी ले सकते हैं, ध्यान दें वोटर आईडी कार्ड भी ले सकते हैं, चाहे अगर आपका इच्छा करे तो आधार कार्ड या पैन कार्ड हाथ में लेकर आप इस प्रकार से सामने देख कर और यहाँ ले एकदम फ्रेश खींचना है कि आपका आधार कार्ड पैन कार्ड दिखाई देना चाहिए और आपका चेहरा भी दिखाई देना चाहिए। और एक चीज़ आपको और ध्यान देना है, जो आपका दुकान है आप अपने दुकान में इस प्रकार से बैठकर आप एक फ़ोटो लेंगे, आप इस जूम करके भी हम आपको दिखा रहे हैं, यानी कि अगर आपका अगर दुकान इस प्रकार से है तो आप अपने दुकान के जो कुर्सी होता है कुर्सी पर बैठकर इस प्रकार से एक फ़ोटो लेकर भेजेंगे, चाहे ऐसा हो चाहे ऐसा हो चाहे कुछ इस प्रकार से हो, आपको ध्यान देना है ऐसा ही रहना चाहिए। पर आपको ध्यान देना है, ऐसा गलती नहीं करना है कि आप कुर्सी पे ना बैठे हों और आप फोटो खींचकर भेज दीजिए, या इधर यहाँ पे खड़े होकर फोटो खींच के भेज दीजिए, या इधर बैठकर फोटो खींच कर भेज दीजिए। आप लोग अगर ऐसा गलती करेंगे तो ये आईडी आप लोगों की एक्टिव नहीं होगी, रिजेक्ट हो जाएगी। तो आपको ध्यान देना है कि ये वाला यस है, ऐसा ही चाहिए, और ये वाला गलत है। तो अगर ये सब आप अगर भेज देते हैं तो आपकी आईडी बन जाएंगी, जो कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, बैंक का पासबुक नहीं लगेगा।
तो ध्यान दें, आप हमें कॉन्टेक्ट नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप करें और आपकी आईडी जल्द से जल्द ही क्रिएट कर दी जाएगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।